मैं तुम्हारा होमवर्क कर रही हूँ, तुम खेल रही हो। दादी देखो कौन आ रहा है, जाने के लिए रास्ता दो ना दादी। ये भी ना, देखो ना दादी, ये सही से नहीं चल रहा। दिखाओ, सही तो है। ये कैमरे का तार है, ये एंटी ब्रेकर सिस्टम का तार लूज है, इसलिए ये सही नहीं चल रहा था। माँ, वो एंटी ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है, स्टेयर एंगल सिस्टम लगा हुआ है। बदल दिया और मुझे बताया भी नहीं। ये लो, सही हो गया श्रुति, अब चलेगा, ले जाओ खेलो। संभाल के खेलना, इसे तोड़ना नहीं। थैंक यू दादी। नकुल, तू दो दिन से नौकरी पर नहीं गया? वो ना, बोर हो गया था भैया। बोर? रोज रोज मीटिंग के नाम पर एक ही बात बोल बोल कर बोर कर दिया था उन लोगों ने। ओए, तुझमें जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है कि नहीं? क्यों पागलों जैसी बात कर रहा है? मैंने हाथ पैर जोड़कर तेरी नौकरी लगवाई थी, तुझे तो ना। नकुल, जानकी जरा यहाँ आओ। अभी आई माँ जी। बोलिए आंटी। ये FM ठीक से काम नहीं कर रहा है, जरा देखना तो क्या प्रॉब्लम है। वो अंकल नहीं है क्या, वो सही कर देते। अरे नहीं ना, उन्हें सिर्फ गाना सुनना आता है, कुछ ठीक करना नहीं आता। मुख्य समाचार, इंडिया के कुछ महानगरों में मोबाइल काम करना बंद कर देगा। और ये मोबाइल के बारे में क्या कह रही है? क्योंकि एक बहुत बड़ी सोलर लेयर जमीन पर पड़ने वाली है। सिर्फ इतना ही नहीं, सूरज की तेज किरणों कुछ नहीं, कारण किसी टाइम सूर्य की तेज किरणों की वजह से कुछ समय के लिए मोबाइल काम नहीं करेगा, वही बता रही। ओ, वो सब छोड़ो, इसे हटाओ ना और कोई अच्छा सा गाना लगाओ इसमें। ट्यून सेट कर दिया, अब सही है ये। कभी फ्री रहो तो FM सुनने घर आ जाना। हाँ कोई बात नहीं आंटी, मेरे मोबाइल पे FM है। किस एरिया में? पैसे मिल जाएंगे ना। मिस कॉल दिया है, वो कॉल नहीं कर रहा। हेलो, हम आ गए हैं। हम आ गए मतलब? दामिनी और लावण्या जूनियर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टाटापुर से। ओ, आ गए हो, वेट कीजिए मैं आता हूँ। हाँ सॉरी यार, बोलो। दामिनी, मैं गाड़ी लॉक करके आती हूँ। हाँ, पता नहीं कैसे पास होगी, उनमें से एक का फोन आया था। सुनिए, ये नकुल कहाँ रहता है? ये यहाँ से ऊपर जाके, जैसी आवाज थी उसकी, देखते हैं दिखने में कैसी होगी। आवाज से तो लगता है कि जैसी आवाज वैसी होगी वो, पता नहीं कौन मेरा नंबर दे देता है इन लोग को। चल कोई नहीं, बाद में फोन करता हूँ। लावण्या? दामिनी। हाय, मैं लावण्या, ये दामिनी, इसने प्रोजेक्ट दिया था, वो रेडी है? ये लीजिए। ये कैसा प्रोजेक्ट है? उसमें लिखा है ना, पढ़ लीजिए। आप लोग पैसे तो ले आए ना, काम है मुझे इसलिए मांग रहा हूँ। कितने हुए? 2500। ए, इसे कुछ कम करने के लिए बोलना। क्या हुआ, कम ही तो बोला है, और इससे कम क्या करूँ। सारी चिल्ले, ये मेरी पूरी पॉकेट मनी है। सही है ना, चाहो तो गिनकर देख सकते हो। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, और कोई प्रोजेक्ट चाहिए होगा तो बताना। वैसे आप ये काम पार्ट टाइम करते हो? यही मेरा फुल टाइम काम है। कितना पकाती है ये लड़कियाँ। ओ मिस्टर, एक मिनट, मैंने सब सुन लिया है, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, समझे? कमाल है, हमसे ही बोल रहा था कि लड़कियाँ पकाती है, अपना चेहरा देखा है चिंपैंसी कहीं का। ये कैसी बाइक है, मेंढक के चेहरे की तरह। ये यहाँ हमारे कॉलेज में क्या कर रहा है? उसकी बाइक में शुगर डाला था ना, बदला लेने आया होगा। उसकी बाइक चल कैसे रही है? मैंने तो कंप्लेन कर दी है। ये तो पेट्रोल टैंक है ना। अरे मैं बाद में कॉल करता हूँ। हाँ ये पेट्रोल टैंक ही है, लेकिन सोलर सेल से चलती है। सोलर बाइक है तो ये पानी से भी चलती होगी। मैडम, ये सूरज की किरणों से चलती है। इसीलिए पेट्रोल टैंक खाली है, लेकिन उसे सामान रखने के लिए इस्तेमाल कर लेता हूँ। कैसी है भाई? बहुत अच्छी है। नंबर प्लेट देखो। पता नहीं इसमें इतनी चीटियां कहां से आ गई। ये पेट्रोल टैंक ओपन कैसे होता है? इसमें लॉक नहीं है, ढक्कन पे मारो खुल जाता है। लॉक खोल रही थी।
अच्छा मैं चलता हूँ। हेलो, मेरा जो प्रोजेक्ट था उसके पैसे वापस करो। क्यों? अभी बताती हूँ। तुमने जो प्रोजेक्ट दिया था वो किसी काम में ही नहीं आया, सब कुछ मिट गया था। वो प्रोजेक्ट वही है, मेथनॉलिंग पैथनॉलिंग एक साथ मिलाकर लिखने पर एक घंटे में मिट जाता है। लास्ट पन्ने पे लिखा है, पढ़ा नहीं क्या? लास्ट पेज तो हमने देखा ही नहीं। मिट जाने के बाद ये स्प्रे मारने से मिटे हुए लेटर वापस आ जाएंगे। लाओ दिखाता हूँ। ये इंक मुझे नहीं दी थी ना? वो बनाते कैसे हैं वो इसमें लिखा है, पढ़ लेना। ये लो। और तुम्हें? नहीं नहीं आप रख लो, मेरे पास है। क्या है ये? सोलर बाइक है। सोलर बाइक? इसे तो हम लोग स्कूल डेज में चलाते थे। चली थी। कहाँ चल पाई? ये बॉडी स्प्रे नहीं है, कम यूज करो। चलता हूँ, बाय। हाय। हाय। आंटी ने ये देने को बोला है। ये देने के लिए तुम लोग कॉलेज से यहाँ आए हो? ए, हम फालतू नहीं है। हेलो, एक मिनट रुक। एयर टॉक वालों ने इसको हमारा प्रोजेक्ट समझ लिया है और इसे प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए बोल रहे हैं। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। कुछ समझा, उन्हें जैसे तैसे करके समझा दूंगा। अभी मैं इसी आइडिया को ट्राई कर रहा हूँ। इसमें इतनी मशीन है, इसके साथ कैसे फोन ऑन करोगे? दो तरह से किया जा सकता है। पहला ये TRX के जरिए। TRX क्या है? ये जो बॉक्स है इसी को कहते हैं TRX। और हाँ, इसी TRX की वजह से फोन कॉल आती जाती है। सूरज की किरणों से ये डैमेज ना हो जाए तो इसीलिए उस टावर में 456 लगा रखा है। ओके। और दूसरा, ये जो टावर में एंटीना दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। उसे कहते हैं सीक्रेट एंटीना। वो जो पतला सा दिख रहा है, मैंने उसे ट्यूबलाइट समझा था, उससे भी हमारी फोन कॉल आती जाती है। वो जो गोला सा दिख रहा है ना, वो है माइक्रोवेव एंटीना। हमारी जितनी भी कॉल आती है ना, वो सब इसी के द्वारा BSC के पास जाती है। कॉल तो सीधे आनी चाहिए, यहाँ से वहाँ क्यों जाती है? ये BSC क्या है? BSC का मतलब बेस स्टेशन कंट्रोलर। ये सब टावर को कंट्रोल करने का एक स्टेशन है। हम जो कॉल करते हैं वही जाकर उससे वो कॉल लगती है। एक कॉल करने में इतना सब कुछ हो जाता है? ये सब जाने बिना ही हम इतने मिस कॉल्स देते हैं? ये सब एक चुटकी में होता है। इस टावर को चालू करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। ये है ट्रांसपोर्टर, ये है TV सेटअप बॉक्स। इन दोनों के सही से काम करने पर ये मीटर काम करेगा। टावर रूम से आने वाला मेन वायर इसने जोड़ दिया है। सेलफोन की फ्रिक्वेंसी मिलने पर ये खुद रिसीव कर लेगी। ये सारी चीजें इस लैपटॉप से कंट्रोल होगी। वाह, अभी के लिए ये छोटा टावर ही वो बड़ा टावर। हाँ? ले। सोच रहे होगे छोटे टावर से क्या होगा? साइंस के हिसाब से बड़े टावर से ज्यादा छोटे टावर में पावर होती है। इस एरिया में टोटल 18 सेलफोन टावर है, एक भी काम नहीं कर रहा है, लैंडलाइन काम कर रहा है। ये जो आइडिया है ना, लैंडलाइन के द्वारा सेलफोन चालू करने का है। इधर आओ, देखने से समझ जाओगे। साक्षी दीदी के लैंडलाइन से मैंने अपना सर्वर रूम कनेक्ट कर दिया। अगर हमारा सेटअप सही रहा, आने वाले 3 किलोमीटर के दायरे में जितने भी फोन है ऑन हो जाएंगे। दामिनी बहुत शार्प है, छोटी सी भी गलती पकड़ लेती है। पावर सैचुरेट हो रहा है। हे लावण्या, देख फ्रीक्वेंसी आ गई क्या? पावर सैचुरेट हो रहा है, मीटर का लेवल कट हो रहा है। शिट, पावर कट हो गई। दूसरी लाइन में लगा कर देखो ना। नहीं, तीनों फेज चले गए। पावर फेलियर होने पर फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे। हमें लाइट आने का वेट करना होगा। क्या बताऊं, 10 मिनट तक लाइट नहीं आई तो BSC से कंट्रोल करके फ्रीक्वेंसी बदल नहीं पाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे? दोबारा ये प्रोजेक्ट करना मुश्किल है। क्या कर रहे हो, फिर सब बेकार हो जाएगा। गीता दीदी। हाँ? आपके पास 4 मीटर तार का टुकड़ा होगा? हाँ, क्या होगा देख लो नकुल। हाँ? मेरे पति नाइट ड्यूटी करके आए हैं, तुम्हें ढूंढ के ले लेना, उन्हें जगाना नहीं। ठीक है दीदी। लगता है पति से झगड़ा करने के बाद प्यार कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ऐसा कुछ नहीं है रे। सुना है अगले बच्चे की तैयारी चल रही है। घर के पास से गुजरने पर अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। बेशरम कहीं का। ब्रदर, उनका घर कौन सा है?
सुनो, देखा कितनी रोमांटिक बातें करता है। उसने तुझसे नहीं की है, उसने आंटी से रोमांटिक बातें की है, वो भी दूसरे बच्चे की बातें। ये क्या कर रहा है? पावर कट है ना सर, शायद इन्वर्टर से जुड़ेगा। इन्वर्टर? इन्वर्टर का बैकअप कम पड़ेगा क्या रे नकुल, फिर शुरू हो गया। ये क्या कर रहा है वहाँ? पावर कट हुआ है ना सर, इसलिए सोलर बाइक से कनेक्शन ले रहा है। सोलर बाइक से कनेक्ट कर रहा है, लेकिन उससे कैसे होगा? चलो उसकी मदद करते हैं। हमने बनाई थी। अच्छा, सर। जब तुम लोगों ने बनाया है तो उसे घर में छुपा कर क्यों रखा है, यहाँ पर क्यों नहीं लाए? अरे बाहर लेकर आओगे तभी तो हमारे कॉलेज का नाम होगा। कैसे स्टूडेंट हो तुम सब। ये बड़ा टास्क है सर। सर शायद हो सकता है आपकी कंपनी का एक्सेस कोड चाहिए। हमारी कंपनी का एक्सेस कोड? सर एक्सेस कोड नहीं दे सकते, सिर्फ चुने हुए कंपनी के कुछ स्टाफ को यूज करने की परमिशन है, हर किसी को नहीं दे सकते हम। ओके। अच्छा हुआ सर, मुझे लगा आप कोड दे देंगे। पर वो हमारे एक्सेस कोड से क्या करेगा? सर हमारे एक्सेस कोड को तोड़कर अंदर चला गया। सर सिग्नल नहीं आ रहा है। ये अभी धीरे धीरे टीवी सिग्नल में रिसीव हो रहा है। नगर में जो टावर है उसे कोई इलीगल तरीके से ऑपरेट कर रहा है। अब सबके सेलफोन में सिग्नल बदल जाएगा। फोन काम करेगा ना? बिल्कुल करेगा। लैंडलाइन, बीएससी, ये टावर हमारे कंट्रोल में है। ये छोटा टावर बड़े टावर को एक्टिवेट कर रहा है। उसी टावर पर सिक्योरिटी अनलॉक दिखा रहा है। अरे कब तक होगा ये? बस थोड़ा टाइम और सर। पता नहीं क्यों प्रोसेस में प्रॉब्लम दिख रही है। कुछ पूछो तो अपनी भाषा में ही बोलेंगे। TME बॉक्स में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। यहाँ खड़े होकर आसमान में क्या देख रहे हैं सब? अरे प्रवीण क्या हुआ बताओगे? लावण्या क्या हुआ? बिजली क्या हुआ बताओ मुझे। अरे प्रवीण बोलो ना क्या हुआ। सॉरी सर कुछ प्रॉब्लम है सर। इस टावर में प्रॉब्लम है, ये स्पेक्ट्रमलिज्म में शो कर रहा है। अब ये क्या करने जा रहा है? सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा है। आज तो नंबर लग ही नहीं रहा है। बच्चे लोग जूस ले लो। आओ आओ आओ। थैंक्स आंटी। थैंक यू। ले लो ले लो, तुम भी ले लो। बिना परमिशन के ये करना गलत है सर, कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो। मैडम प्रिंसिपल को दिए बिना जा रही हैं। प्रिंसिपल? अरे मैं हूँ ना। अरे तुमने जैसे कहा था वैसे ही दिख रहे हैं। कैसा कहा था इसने? आप मर चुके हैं। लीजिए लीजिए लीजिए, यहाँ तो कैमरे से शूटिंग चल रही है। ये लेंस वाइड है या क्लोज है? क्लोज है। कौन सा कैमरा है? एवी। नए मॉडल में चिप की स्टोर कैपेसिटी तो कम है। जापानीज कंपनी जो चिप बना रही है उसकी स्टोरेज तो इससे ज्यादा है। लावण्या जरा यहाँ ना। देखो बेटी, अगर लाइट चली गई है तो इन्वर्टर से काम चला लो। सोलर बाइक को बीच में लाकर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? अगर नहीं पता है तो मुझसे पूछना चाहिए ना। अभी जाओ यहाँ से। हेलो डेड बॉडी। मान ही लिया क्या? हाँ, ये इन्वर्टर 600 वोल्ट देती है। सोलार बाइक 250 वोल्ट एक्स्ट्रा देती है। जिस बात की जानकारी ना हो उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। मारेंगे क्या? ना ना सर, ग्लास लेने आई हूँ। थैंक यू। लाइए सर। अरे तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? नीचे आओ। ए नकुल ऊपर क्या कर रहा है तू? इनलाइन टूट गई है माँ। ठीक है संभल कर बैठना। इसीलिए मरे हुए लोगों को दफनाते हैं, ऐसे घूमना ठीक बात नहीं है।
मिस्टर नकुल, एमडी साहब आपसे बात करना चाहते हैं। वेरी गुड, इंटरेस्ट और मोटिवेशन का तुम एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हो। अगर तुम बोलते हो तो हम ये प्रोजेक्ट अभी खरीद सकते हैं। अभी ये सिर्फ 7 किलोमीटर्स की रेंज में ही एक्टिवेटेड है, फ्यूचर में 7,000 किलोमीटर्स तक आपका नाम जाएगा। बोलो क्या बोलते हो, इस प्रोजेक्ट के लिए 20 लाख दे रहे हैं, साथ में मंथली 1 लाख सैलरी और कंपनी में जॉब भी। अरे प्रवीण, क्या है ये प्रोजेक्ट तुम्हारा है, लेकिन तुमसे बात करने के बजाय उससे बात कर। सर शांत रहिए, आप अभी नहीं समझे, वो प्रोजेक्ट मैंने नकुल से ही लिया था, उसके लिए 2,500 रूपए दिए थे। क्या ये प्रोजेक्ट तुमने उससे खरीदा था? हाँ सर, पूरा कॉलेज इसी से प्रोजेक्ट खरीदता है। अच्छा? सर मैं ये प्रोजेक्ट देने को तैयार हूँ, लेकिन 2 शर्तें होंगी। बताइए। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे प्रोजेक्ट में जो भी प्रॉफिट होगा उसका आधा शेयर मुझे चाहिए। और दूसरी? मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा। तो फिर क्या करोगे? इस प्रॉफिट शेयर के अलावा जो कुछ भी मुझे आता है मैं उससे किसानों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। एक्सीलेंट। मिस्टर नकुल, ये प्रोजेक्ट आप कितने समय से कर रहे हैं? करीब 7 साल से बिना कुछ खाए पिए रातों में जागकर दिन रात काफी रिसर्च किया है मैंने। अच्छा। ऐसा नहीं है, मन में आया कि मोबाइल में सिग्नल ना हो तो फोन चालू कैसे होगा, क्योंकि आजकल लोगों की जिंदगी में सेलफोन कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर एक दिन मैं FM सुन रहा था और साथ ही साथ टीवी भी देख रहा था। मैं तो घर पर फालतू हूँ, घर के लोग ऐसा ही बोलते हैं। मेरे पास तो सिर्फ आइडिया ही था, फुल टेक्निकल सपोर्ट JR इंजीनियर कॉलेज से मिला। हमारे कॉलेज का भी नाम आ गया।